2012 का। क्या बदलेगा सब कुछ? ये तो आप ही फैसला करेंगे कि ये जदीद दौर का करिश्मा है या अलमिया कि सारी दुनिया अलमनाक तजादात में घिरी हुई है। मजहब और रोशन ख्याली दोनों के नाम से बुनियाद परस्ती ने कुर्राए अर्ज को अपनी लपेट में लिया हुआ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर रियासती सतह पर आलमगीर दहशतगर्दी जारी है। वसाइल मौजूद हैं, मगर वसाइल की तकसीम पर इजारादारियों ने दुनिया को गुर्बत और इफलास के कहत में मुबतला किया हुआ है। एक तरफ शुमाली दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और दूसरी तरफ जुनूबी दुनिया की पसमानदा मुल्कों का एक जम्मे गफीर। इंसान अपने सामने बैठे हुए इंसान के हालात और एहसासात से बेखबर है, मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसे दुनिया भर के वाकयात से बाखबर रखे हुए है। घरेलू सतह पे प्यार मोहब्बत के खूनी रिश्ते टूट फूट का शिकार हैं, मगर इंटरनेट पे जारी सोशल नेटवर्किंग नए नए मसनूई रिश्ते जन्म दे रही है। इन्हीं तजादात में से एक खौफनाक तजाद जिसने दुनिया भर को एक आसेब की तरह अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, ये है कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि इंसान चांद पर पहुंच चुका है, मरीख पर उतरने की तैयारी कर रहा है, नई नई कहकशाएं दरियाफ्त की जा रही हैं, कायनात के आगाज यानी बिग बैंग के बारे में मस्नूई तजुर्बात कर रहा है, कायनात की तखलीक का सबब बनने वाले जर्रे को दरियाफ्त करने का दावा कर रहा है, डीएनए के अंदर छुपी हुई दुनिया को पढ़ चुका है, हार्प के जरिए मौसमों को कंट्रोल कर रहा है। गर्ज ये कि इंसानी जिंदगी को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी ने मुकम्मल तौर पर अपने ताबे कर लिया है। हर चीज की, हर अमल की, हत्ता कि इंसानी अकीदे और ईमान की भी साइंटिफिक दलील तलब की जा रही है। और दूसरी तरफ माफाकुल फितरत यानी सुपर नेचुरल मौजूदात पर जादू और आसेब पर और कदीम जमाने के असातीर यानी माइथोलॉजीज के मरकजी किरदारों पर मबनी फिल्मों की बहुतात है। हॉलीवुड में सिर्फ गुज़िश्ता 10 सालों में 546 फिल्में इस किस्म के मौजूदात पर बनकर दुनिया भर में अरबों डॉलर्स का बिजनेस कर चुकी हैं। इसी तरह की फिल्मों में जिन्होंने गुज़िश्ता कई सालों से दुनिया भर के लोगों को जहनी तौर पर तकरीबन मफलूज करके रख दिया है, 2009 में रिलीज होने वाली एक फिल्म 2012 भी थी। ये फिल्म मंजर आम पर क्या आई, गोया क़यामत आ गई, क्योंकि इस फिल्म का मरकजी ख्याल ये था कि जनूबी अमरीका की एक कदीम तहसीब माया के कैलेंडर के मुताबिक 2012 वो साल है जिसके दिसंबर के महीने की 20 और 21 तारीख के दरमियान आने वाली क़यामत की वजह से हमारी ये दुनिया फना हो जाएगी। आज 2012 का पहला दिन है। दुनिया भर में एक बार फिर ये तस्करा छेड़ा हुआ है कि अब क्या होगा, क्या दुनिया वाकई तबाह हो जाएगी, क्या हकीकतन कयामत आ रही है, या दुनिया किसी बहुत बड़ी तबाही का शिकार होने वाली है। आइए इस फिल्म के हवाले से इस जदीद और साइंटिफिक दुनिया की इन सुपर नेचुरल अफवाहों का जायजा लेते हैं। माया तहजीब बुनियादी तौर पर पहाड़ों और ढलवानों में जन्म लेने वाली एक जरई तहजीब थी। इसकी बहुत सी मुनफरिद और अनोखी खूबियों में से एक खूबी यह भी है कि माया लोगों ने अपने फलकियाती उलूम और रियाजी की पेचीदगियों को नहायत सादा शुमारियाती उसूलों में ढाल कर तहरीरी शक्ल में पत्थरों की सिलों पर महफूज कर दिया। उन्होंने अपने गैर मामूली मुशाहिदात की बुनियाद सूरज और चांद ग्रहण, वीनस और मार्स की गर्दिशों और दीगर बहुत से फलकियाती मजाहिर के बारे में पेशगोइयों का एक मुकम्मल निज़ाम मुरतब कर लिया था। उनके इन्हीं गैर मामूली कारनामों में से एक उनका लॉन्ग काउंट कैलेंडर भी है।
उनका ये लॉन्ग काउंट कैलेंडर 11 अगस्त 3114 कबल मसीह की तारीख से शुरू होता है। और इस कैलेंडर की एक अजीबोगरीब खसूसियत ये है कि ये 21 दिसंबर सन 2012 को ख़त्म हो जाता है। बस इसी 21 दिसंबर 2012 की तारीख ने ही इस वक्त पूरी मगरबी दुनिया में ये सनसनी फैलाई हुई है कि उस रोज़ ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कयामत आ जाएगी।